यूनिट 18 डिग्री ऑफ कंपैरिजन, 3 डिग्री होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री को पहचानने के तरीके, एस बीच में आपका वर्ड होगा, एस यानी बॉडीगार्ड जैसा, एएस। कंपैरेटिव में THEN देन आएगा, देन के पहले आपका शब्द होगा, कंपैरेटिव शब्द होगा। सुपरलेटिव में THE दा आएगा और दा के बाद आपका सुपरलेटिव शब्द होगा। कभी कभी पॉजिटिव लिखते वक्त वेरी फ्यू शब्द का प्रयोग हुआ होगा, तो ऐसे में आपको कंपैरेटिव में देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर का प्रयोग करना होगा। और ये कंपैरेटिव के लिए आपको वन ऑफ द प्रयोग करना होगा। कभी कभी पॉजिटिव में नो अदर आता है, तो ऐसे समय में कंपैरेटिव में आपको देन एनी अदर या देन ऑल अदर का प्रयोग करना होगा। कुछ कुछ सम्स ऐसे होते हैं जिसमें डिग्री सिर्फ पॉजिटिव और कंपैरेटिव में ही बदली जा सकती है। ऐसे में अगर सेंटेंस अगर पॉजिटिव वाला अफर्मेटिव है, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, तो उसको नेगेटिव में बदलना है। अब नेगेटिव में बदलने के लिए आप किसका प्रयोग करोगे? नो, नन, नथिंग, नेवर, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करोगे। चलिए अब एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। इस चार्ट को आप लिख लीजिए। चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव, यानी सही विकल्प चुनना है आपको। THEN देन है तो ये कंपैरेटिव हो गया, तो ये आंसर हो नहीं सकता क्योंकि EST है सुपरलेटिव, ये नहीं हो सकता, तो ER कंपैरेटिव है ये आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ देन आ गया तो कंपैरेटिव है, मोस्ट आपका सुपरलेटिव है, एस पॉजिटिव हो गया, मच आपका पॉजिटिव में आता बच्चों, हाँ मच मोर मोस्ट, इस बात को बताया था नहीं मैंने, ये बता देता हूँ, मच मोर मोस्ट या मैनी मोर मोस्ट। कंपैरेटिव में मोर आता है तो ये आपका आंसर है। अगेन THEN देन आया मतलब कंपैरेटिव आना है, तो मोर है और ER है। कंपैरेटिव में ER आता है, सुपरलेटिव में EST आता है। देखिए द आया ना, तो सुपरलेटिव होना चाहिए। ठीक है, ये थोड़ा एक्सेप्शन केस है, यहाँ पे ये काम नहीं करेगा द वाला नियम, ये एक्सेप्शन केस है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, द हॉस्पिटल्स एंड द सिटी आर नॉट एज क्लीन एज द नर्सिंग होम। ठीक है, THEN देन नहीं है ना, तो ये डिग्री नहीं हो सकता, और एज क्लीन एज तो पॉजिटिव बनेगा। नेक्स्ट, टूलिप फार्मिंग इज बेस्ट ऑक्यूपेशन इन हॉलैंड इज द मोस्ट पॉपुलर, क्योंकि अगर हम ऑप्शन देखते हैं THEN देन नहीं है, मतलब ये मोर कंपैरेटिव खत्म हो जाती है वहाँ पर, एज और एन ऐसा पढ़ा ही नहीं हमने, और मोस्ट है तो मोस्ट के आगे दा लगना चाहिए, इज द मोस्ट पॉपुलर, ठीक ये आपका आंसर है। माई मदर इज डैश एनी अदर वुमेन, तो माई एज इंडस्ट्रियस एज ना, सब ऑप्शन में ये ठीक लग रहा है, एज इंडस्ट्रियस एज। इंग्लैंड इज डैश फ्रॉम इंडिया देन स्पेन, यहाँ पे कंपेयर किया है,
इंग्लैंड इज डैश फ्रॉम इंडिया देन स्पेन, इंग्लैंड इज फार्दर फ्रॉम इंडिया देन स्पेन। तो देन का प्रयोग है मोर फार्दर, इंग्लैंड इज, देखिए फार का फार्दर फार्देस्ट बनता है, बरोबर, फार फार्दर फार्देस्ट, इसको फर्देस्ट भी लिख सकते हैं, तो मोर नहीं लगेगा, तो आंसर आपका फार्दर है, ठीक है। अब देन है इसके लिए कंपेरेटिव है, आगे बढ़ते। चूज द सेंटेंस इज द करेक्ट कंपेरेटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री में करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। ई एस टी है, ये सुपरलेटिव हो गया, ये ग्रेट है तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन था, ये थोड़ा गलती हो गया, ये क्वेश्चन था, इंग्लैंड वाज वन ऑफ, कॉलरिज वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोएट्स, इसको कंपैरेटिव में करना है ना, तो ठीक है, वन ऑफ द है, वन ऑफ द है, तो वन ऑफ द का मैंने आपको शुरुआत के स्लाइड में कराया था, देन मैनी अदर या देन मोस्ट अदर, ये शब्द का प्रयोग होगा, तो देखिए देन मोस्ट अदर इधर है, ए सी आपका आंसर है। आगे इसमें से कंपैरेटिव पूछा है, गुड है ना, गुड का कंपैरेटिव, गुड बेटर बेस्ट, गुड बेटर बेस्ट, तो बेटर आना चाहिए, तो ये गुड तो नहीं हो सकता, लार्ज कहाँ आ गया, ठीक है, बेटर के आगे मोर नहीं आता, तो आंसर ये है, जब किसी का डिग्री नहीं बनता तब मोर और मोस्ट लगता है ना। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द कंपेरेटिव डिग्री इन इस सब क्वेश्चन फॉर द गेम, अभी आपको कंपेरेटिव डिग्री चुनना है, ठीक है। तो ट्रस्टिंग, मोस्ट ट्रस्टिंग है, मतलब आपके आंसर में मोर ट्रस्टिंग है, ये वेरी ट्रस्टिंग नहीं चलेगा, मोस्ट ट्रस्टिंग है, मोर ट्रस्टिंग इधर है, मोर ट्रस्टिंग इधर है, अभी दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव एवर मेट, ये आंसर आएगा, क्योंकि मोर के पहले दा नहीं आएगा, ठीक है, तो ये आंसर, ही वॉज मोर ट्रस्टिंग देन एनी अदर पर्सन आई हैड एवर मेट, ओके, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा आता है, यहाँ पे दा नहीं आना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, दिस इज अ मोस्ट लग्जीरियस, मोस्ट लग्जीरियस बोला है, तो ये सुपरलेटिव है, सुपरलेटिव है, तो कंपैरेटिव के लिए मोर लग्जीरियस आना चाहिए, तो ये मोस्ट लग्जीरियस ये नहीं चलेगा, यहाँ मोर लग्जीरियस है, यहाँ मोर लग्जीरियस, ये चल सकता है, ठीक है। अब दा नहीं आना चाहिए, इसके लिए ए ऑप्शन भी कर दिया, बचा सी और डी, ठीक है, और ये टाइप आपका हो गया कि इज़ द मोस्ट, मतलब सबसे बढ़िया यही है ना, तो देन एनी अदर आएगा, तो देन एनी अदर यहाँ पे है, लेकिन ये तो कट ऑप्शन, इसमें देखिए देन एनी अदर यहाँ पे है, यहाँ पे अदर नहीं है ना, तो ये भी कट हो गया, तो बचा क्या ऑप्शन सी। प्रियंका इज नॉट वन ऑफ द क्लेवरेस्ट बॉय, प्रियंका क्लेवरेस्ट, तो इसका आंसर क्लेवर में आना चाहिए, क्लेवर, तो क्लेवर कहाँ है, ये क्लेवर है, ये नहीं चलेगा, क्लेवर नहीं चलेगा, क्लेवरेस्ट नहीं चलते, एक ही आंसर बचाना, ठीक है। चूज द सेंटेंस इन द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, क्या लार्जेस्ट है ना, तो लार्जेस्ट है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले दा चाहिए ना, किधर दा नहीं है, इसलिए ये कट हो गया, ठीक है, बेस्ट के पहले दा नहीं है, इसके लिए ये कट हो गया, ठीक है। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज इज फियर, जुपिटर इज द लार्जेस्ट ऑफ ऑल प्लैनेट्स, नेक्स्ट, अब इधर भी दा है, यहाँ भी दा है, लेकिन इस दा में ये वन ऑफ द वाला दा है, इसके लिए ये भी नहीं है, तो बचा क्या, ये भी, ठीक है। आगे बढ़ते, चूज द सेंटेंस इन द करेक्ट सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंबाइन, सुपरलेटिव डिग्री चाहिए, तो इधर वर्ड कौन सा है जिसका सुपर किसका बनेगा,
तो क्राउडेड का सुपरलेटिव बनेगा क्राउडेस्ट, तो ईएसटी वाला ढूंढो, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्राउड क्राउडर, अच्छा मोर, सॉरी बेटा फोन आ रहा था ना, तो चलिए क्वेश्चन फिर से करते हैं। एक क्राउडेड है, क्राउडेड का क्राउडर क्राउडेड नहीं, क्राउडर मोर क्राउडेड और मोस्ट क्राउडेड बनेगा, ठीक है। ये देखिए नो अदर है, नो अदर का अगर आप टेबल देखोगे तो देन एनी अदर आना चाहिए या देन ऑल अदर आना चाहिए, तो देन एनी अदर कहाँ है देखिए इधर है, नो अदर। अच्छा इनको सुपरलेटिव सिलेक्ट करना है ना, तो सुपरलेटिव सिलेक्ट करना है तो देन एनी अदर, और या तो मोस्ट आएगा, मोस्ट ये तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। वन ऑफ द नहीं आएगा, वन ऑफ द कब आता है, जब वेरी फ्यू होता है, ये पॉजिटिव डिग्री है ना, एज एज में जब वेरी फ्यू होता है तब वन ऑफ द आएगा, तो ये नहीं हो सकता, और इधर मोस्ट क्राउडेड नहीं दिया, तो आपका आंसर डी है, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था सॉरी बेटा। रेमंड गेव अ बेटर रिस्पॉन्स देन एनी वन एल्स इन द क्लास, बेटर है, आपको सुपरलेटिव चाहिए तो बेटर का क्या हो जाएगा, बेस्ट, ठीक है। देन एनी वन है, देन एनी वन या देन एनी अदर ऐसा सब है ना, तो पहले बेस्ट कहाँ है, देखिए ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता क्योंकि बेस्ट के पहले दा नहीं है, टी एच ई दा, ठीक है, और ये दोनों हो सकता है लेकिन इसमें देन आ गया, देन कंपेरेटिव में आता है, तो आपका आंसर डी हो गया। चूज द सेंटेंस इन द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव चाहिए, ठीक है, पॉजिटिव में देखिए स्ट्रॉन्गर नहीं आता, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आता, ठीक है। नो अदर मेटल इज द स्ट्रॉन्गेस्ट, स्टील इज वेरी स्ट्रॉन्ग मेटल, ऐसा नहीं, चूज पॉजिटिव कंपेयर पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री में एज आना चाहिए। पंचगनी इज कूलर देन, उनको क्या कूलर ना, तो अच्छा देखिए ये कंपेयर किया है, पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बनाना पड़ेगा, ठीक है। कूलर का हो जाएगा एस कूल एस, लोना वाला पंचगनी की चला जाएगा, पंचगनी लोना वाला की जगह चला जाएगा, ठीक है, तो लोना वाला इज नॉट एस कूल एस पंचगनी, समझ ना बच्चों, जो लास्ट टाइप पढ़ाया था आपका। चूज द गिवन सेंटेंस इन द करेक्ट पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपेरिजन, पॉजिटिव डिग्री चाहिए, ठीक है, तो ये मच पॉन्डर, तो मोस्ट क्या चाहिए, पॉजिटिव डिग्री ना, तो एज पॉन्ड एस आना चाहिए, क्या एज पॉन्ड एस, ये एज पॉन्ड ऑफ है, ये नहीं हो सकता, एज पॉन्ड ऑफ है, ये नहीं हो सकता, ठीक है। इधर एज पॉन्ड ऑफ है, ये भी नहीं हो सकता, तो लास्ट एक ही आंसर होता है एज पॉन्ड एस। आगे बोलते, दिस इज द वर्स्ट शेक्सपियर प्ले आई हैव सीन, वर्स्ट है, वर्स्ट का अच्छा इनको क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए ना बेटा, हाँ पॉजिटिव चाहिए, तो वर्स्ट के लिए बैड आएगा पॉजिटिव में, क्योंकि बैड वर्स वर्स्ट होता है, तो वर्स कहाँ है, वर्स अच्छा बैड वर्स, इनको बैड चाहिए बरोबर, तो ये वर्स है, इसके लिए आंसर हो नहीं सकता है बैड बरोबर। अब बैड है, दिस इज द वर्स्ट, तो नो अदर आना चाहिए, नो अदर तीनों में है, ठीक है। अब एज बैड एस आना चाहिए, देखिए एज बैड एस यहाँ पे, तो एज बैड बैड के प्लेस में, तो आपका आंसर फेल है। टेबल याद रखो, ऑप्शन एलिमिनेट करो, सीधा सीधा आंसर बन गया। आई हैव नेवर सीन एन एनिमल मोर फिरोशियस, तो मोर फिरोशियस, मोस्ट फिरोशियस, तो इसका पॉजिटिव डिग्री फिरोशियस है, तो मोर फिरोशियस नहीं आ सकता, मोस्ट फिरोशियस नहीं आ सकता, और फिर पॉजिटिव डिग्री में एज और एज आता है इधर है, तो ये अच्छा आंसर है। रीड द वर्ड्स गिवन बिलो एंड चूज द करेक्ट सेंटेंस इन द कंपैरेटिव डिग्री, वर्ड्स वर पॉपुलर ब्राउनिंग, इस वर्ड्स वर पॉपुलर एज कम्पेयर टू इस वर्ड्स वर मोर पॉपुलर देन, इस वर्ड्स आर नॉट एज पॉपुलर, पॉपुलर के आगे लिस्ट नहीं आ सकता, पहली बात तो ये, ठीक है।
इधर पे कंपेरेटिव डिग्री पॉपुलर पे आएगा, कोई भी डिग्री पॉपुलर पे बनेगा, तो ये नहीं है। कंपेरेटिव डिग्री बोला तो ये एज एस आ गया है, पॉजिटिव बन गया, तो मोर वाला आंसर है। फिर रिच बोला तो रिच, रिचर, रिचेस्ट, कंपैरेटिव बोला तो रिचर चाहिए, ये नहीं सकता रिचेस्ट आया, ये नहीं सकता रिच आया, ठीक है रिचर वाला एक ही ऑप्शन। उम्मीद करता हूँ बहुत इजी लगा होगा। धन्यवाद।